हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा आपके दिलों में, जोश जगाता रहूंगा। हेलो हेलो। हाँ, इमरान साहू। इमरान साहू बताइए। हाँ जी, इमरान साहू बोलिए। हाँ जी सर, नमस्कार सर। मैं ऐसे से जानते हैं। हाँ बताइए। आपके घर पे आया था तो आप यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। घर पर आए हुए हो आप? जी, आपका इधर नगर में जो रहते थे आप। हाँ तो अभी आप घर पर हो उधर? अभी तो मैं बाहर आ गया घर लेके। अच्छा, बाहर आ गया। ऑथराइजेशन लेटर, एम्प्लॉयमेंट आईडी लेकर आए हो? अब मिल जाएगा तो बोलो, अभी मंगा लेता हूँ ऑथराइजेशन लेटर। अभी एंड टू एंड मंगा लोगे? मंगवा देता हूँ। अभी मंगा लूंगा एंड टू एंड। हाँ तो वो क्या होता है ना, वो क्या होता है, आपके पास दूसरा रास्ता यही बचता है। जब आपसे ऑथराइजेशन लेटर मांग लोगे तो आप बैंकर उठा के ले लोगे, क्योंकि उसे ऑथराइजेशन लेटर की जरूरत नहीं है, वो खाली इम्प्लीमेंट आईडी दिखाएगा। सुनो, मात्र 15 मिनट, आप यहाँ पे आ जाओ, 15 मिनट में मेरा आ जाएगा बैंकर ऑथराइजेशन लेटर। वो ही तो बता रहा हूँ, बैंकर को ऑथराइजेशन लेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा बैंकर तो लाएगा ऑथराइजेशन लेटर। आप इस तरह से डायरेक्टली बात कर रहे हो ना, मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ। हाँ तो उसी तरीके से मैं भी तो बता रहा हूँ, जब आपके पास ये जब सामने वाला ऑथराइजेशन लेटर मंगा लेता हूँ, आप आ जाओ। यार कम से कम सामने कस्टमर को बोलने तो दे, कम से कम बोले जा रहा है बोले जा रहा है। तुझे ये नहीं पता कस्टमर से बात कैसे करते हैं? ऑथराइजेशन लेटर बाबू, ऑथराइजेशन लेटर तुझे पता नहीं है कस्टमर के लिए चाहिए होता है? तू घर पे विजिट करने आ रहा है? अच्छा, होता है। और क्या, मैं अब तू क्या करेगा? अबे सुन तो ले यार, सुन नहीं रहा, बोले जा रहा है। अब तू क्या करेगा? दूसरी चाल यही है, तू मंगा लेगा वहां से, बैंक मैनेजर बुला लेगा, बैंक मैनेजर को ऑथराइजेशन लेटर की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉयमेंट आईडी में काम हो जाएगा तुम्हारा। कौन सा आईडी में? एम्प्लॉयमेंट आईडी दिखाओगे, काम हो जाएगा, बस बैंक मैनेजर की जरूरत पड़ती नहीं ऑथराइजेशन की। बाबू तो DRA कंप्लीट हो, लेकिन तुझे जो है ना तमीज नहीं है कस्टमर से बात करने की, कैसे करते हैं? तुमसे पूरी रिकॉर्ड हो गई है मैम, तुमसे क्या मैंने उल्टे तरीके से बात कराई है? ये जो है ना रिकॉर्डिंग ले जाके दे तुम, बेटा बेटा सुन, ये रिकॉर्डिंग ले जाके दे ऊपर दे, मुझे जो है ना जेल करवा दे, ठीक है? जेल करवा दे, जेल ये रिकॉर्डिंग ऊपर ले जाकर। मुझे एक बात बताओ, मुझसे तुम्हारा कार्ड है, इसकी पेमेंट क्या करोगे, भरोगे? पेमेंट इसका ना, इसका रिफ्यूज टू पे है, ठीक है? पेमेंट नहीं भरूंगा, पेमेंट रिफ्यूज नहीं भरोगे। हाँ। ये बात बोल के तुमने बात खत्म अब तुमसे, ठीक है? हेलो हेलो। हाँ मैडम, अरुण सिंह जी बात कर रहे हैं? अरुण सिंह जी बात कर रहे हैं। मैडम एक मिनट रुक जाओ, मैं जो है ना, मैडम मैं ना इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे एक रील देख रहा हूँ, उसको देख लूँ फिर आपसे बात करता हूँ, एक मिनट होल्ड करना, ठीक है? सर ये रील पहले भेजनी जरूरी है क्या आपको? मैडम क्या करें, मैडम थोड़ा जो है काम की रील है, मैडम ये देख लूँ बस। अच्छा। आप जो ना 10 सेकंड होल्ड करो, 10 सेकंड की रील है, फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है? तो आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर तो आपका फोन है, आप रील्स भेज के पूरे दिन भेजते रहिए, तो कोई वो नहीं है, आपको कोई रोकेगा थोड़ी। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन है सर। मैडम एक शायरी अर्ज कर दूं आप बोले तो? सर पहले आप मेरी बात सुन लेंगे तब आप। मैडम पहले शायरी, मैडम सुनो, इतना खूबसूरत जी, मैं आपसे काम की बातें कर रही हूँ तो यहाँ शायरी की बातें नहीं आनी चाहिए, ठीक है? मैडम चलो, पहले पहले मैडम आपने ये बोला कि जब आप अपनी बात पूरी कर लोगी फिर मैं आपको शायरी सुनाऊंगा, ठीक है? Okay, आप मुझे बताइए अरुण जी, आपकी यस बैंक के बिहार से बात करी थी सुमन, आपकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पेंडिंग थी, अभी तक आपने पेमेंट क्यों नहीं कराई सर? मैडम जो है ना थोड़ा फंड इश्यू चल रहा है, मैडम आपकी बात हो गई, मैं शायरी सुना दूं? सर पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। हाँ मैडम, पेमेंट बता दीजिए कब तक हो जाएगी आपकी? मैडम बता तो दिया, थोड़ा फंड इश्यू चल रहा है, अभी नहीं हो पाएगी। तो फंड इश्यू चल रहा है तो पेमेंट कब होगी सर, ये बताइए मुझे। मैडम 2-3 महीने का टाइम लग जाएगा। अरुण जी मैं आपको 2-3 महीने का टाइम नहीं दे रही, आप बताइए सर पेमेंट कब तक कराएंगे? मैडम आप ना आप गलत फहमी में हो, मैं आपसे 2-3 महीने का टाइम मांग थोड़ी रहा हूँ। आप यहीं पर रहते हैं नारायण, आपके फादर का नाम यही है नारायण सिंह? मैडम है तो यही, पहले मेरी बात तो सुन लो, मैं आपसे 2 महीने का टाइम मांग रहा हूँ। कोई बात
सकती है, आपकी आपकी बातें इम्पोर्टेंट नहीं है सर, मेरी बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। मैडम मैं नहीं सुन रहा, मैं नहीं सुन रहा, खोल के सुन लीजिए सर, पहले आप अपनी। मैडम मैं नहीं सुन रहा, आपने नाराज कर दिया, आपने नाराज कर दिया मुझे, तो नाराज हो जाओ फिर। मैडम पहले पहले मेरी बात सुनो आप। मैडम मैं ना आपसे टाइम, मैडम 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 पहले मेरी, पहले मेरी मैडम, मैं ना आपसे टाइम मांग नहीं रहा हूँ, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि दो तीन महीने पेमेंट कर दो। हेलो सर, टाइम मेरे को देना चाहिए, आपको आप क्यों दोगे मुझे टाइम? मैडम मैं दे रहा हूँ, पहले पहले पेमेंट करा देना सर। नहीं मैडम मैं नहीं कर रहा हूँ, मैडम कोई नहीं, मैडम मैडम घर पे भेज दो, मैडम घर पे भेज दो ऑथराइजेशन लेटर विद एम्प्लॉयमेंट आईडी के साथ भेज दो। हाँ बिल्कुल सर आएगा, बिल्कुल सर आएगा। ठीक है मैडम, मैडम मारा पीटी तो नहीं करेगा मेरे साथ? अरुण जी वो आप देख लीजिएगा, ठीक है मैडम, क्योंकि ना मैं यहाँ पे जो है ना। सलाम अलैकुम, हेलो, होम टूडी से बात कर रहा हूँ सर, सुभाष जी। करिए फिर, क्या हुआ सर, आपका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है सर? फंड ही चल रहा है सर, पैसे का अरेंजमेंट नहीं। क्या हो गया? फंड ही चल रहा है, पैसे का अरेंजमेंट नहीं सर। कल के डेट में तो आपका माता जी ने तो बताया था मैं पेमेंट कर दूंगा, 9,200 द्रौपदी देवी ने बताया थे। अच्छा घर पर गए थे क्या? क्या हो गया? मैं घर पर गए थे क्या? तो उनका नंबर पे कॉल किया गया था सर, तो उन्होंने बताया और मेरे बताने में दोनों में फर्क है सर। तो आप ही पेमेंट करा दीजिए ना, 42 दिन हो गए सर पेमेंट नहीं हुआ है। नहीं है सर पैसा। आपका मम्मी से बात कराइए। मम्मी से बात क्यों करा हूँ? पैसे लोन किसने लिया? आपने लोन लिए। तो बात किस से करोगे? आपसे करेंगे, लेकिन आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं ना, 42 दिन हो गया आपको। अरे तो लोन मैंने लिया है, अगर मैं पेमेंट नहीं कर रहा तो मुझसे बात करो, घर वालों से क्यों बात करो? तो आप पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं ना। तो बाबू अगर पीटा तुमने किसी को और छेड़ तुम्हारी बहन दी जाए तो कैसे लगेगा? तो आप 42 दिन से आप पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं, कितने बार आपको कह रहा हूँ, अगर मान लो तुमने किसी लड़के को पीट दिया वो छेड़ तुम्हारी बहन दे तो कैसा लगेगा? तो वैसा वाला सीन है ना, पेमेंट मैंने नहीं करा, आओ यहाँ पे लठ लेके आओ, मेरी कुटाई करो, तोड़ो, लेकिन मम्मी पापा से क्यों बात कर रहे हो भाई? सर इंटीमेशन जो है कल के डेट में कॉल किया जा रहा था, तो आपने कॉल रिसीव किया था ना? आपने कॉल रिसीव ठीक है रिसीव किया था मैंने। तो आपका जो है कॉन्फ्रेंस जब कॉल किया गया तो आपका मम्मी ने कॉल रिसीव किए हैं, आपका मम्मी ने बताया कि ठीक है मैं कल के डेट में जो पेमेंट करा दूंगा बेटे को बताकर, ठीक है 9,295 रुपए उन्होंने बताया था, सुबह 10 से 12 बजे के अंदर पेमेंट कर दूंगा। हमारा अधिकारी जाकर रिटर्न आ गया है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है। नहीं हो पाएगा पेमेंट अभी। क्यों नहीं है पैसे ना? तो पैसे नहीं है तो कहीं से अरेंज करिए ना। जब कहाँ से अरेंज करते हैं? तो आपका फैमिली फ्रेंड सेविंग से किसी से अरेंज करिए, अरेंज करके पेमेंट करिए। तो आपका मम्मी ने बताया था कि मेडिकल इशू है, तो आपका तबीयत खराब था इसलिए आपको जो है बता गया था। नहीं हो पाएंगे सर पैसे अरेंजमेंट, वही तो बता रहा हूँ। तो कहीं से आप अरेंज करके भी तो पेमेंट? अरे सर अरेंज करने की सारी कोशिश कर ली, नहीं हो पा रहा अरेंज, वही बता रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे। तो मैं तो समझ गया हूँ, लेकिन आपका EMI अमाउंट पेंडिंग है ना आपका? सर आप नहीं समझोगे, आपको ऊपर TL का प्रेशर है, कैसे भी समझा लो आपको समझ नहीं आई। EMI अमाउंट पेंडिंग है तो क्या करूँ, जान दे दूँ अब? तो मैं आपको जान देने के लिए तो नहीं बता रहा हूँ। नहीं तो EMI अमाउंट आपका पेंडिंग हो चुका है, 5 फरवरी का, 5 मार्च का भी EMI पेमेंट पेंडिंग हो चुका है ना आपका? नहीं पेंडिंग है तो क्या करूं, मैं जहर खा के मर जाऊं, जान दे दूं, क्या करूं तुम बताओ? तो मैं आपको तो जहर खाने के लिए मरने के लिए तो नहीं बोल रहा हूं आपको। नहीं तो करूं क्या, वही तो मैं पूछ रहा हूं, पैसे तो आए नहीं तो करूं क्या? तो कहीं से अरेंज करके आपका 2 EMI से आपको पेमेंट पेंडिंग है, तो दोनों EMI नहीं ऊपर है तो 1 EMI तो पेमेंट कर सकते है ना? सर समझ नहीं आ रहा। ठीक है सर, ये डिटेल्स में कंपनी को फॉरवर्ड कर देता, कंपनी आगे का प्रोसीजर अगर फॉलो करेगा इसके जिम्मेदार आप रहेंगे सर। ओके ठीक है, घर का एड्रेस पर कंसलेशन लेटर आ सकता है, कंपनी की तरफ से लीगल नोटिस आ सकता है, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, रिकॉल या कंसलेशन नोटिस आप भेजो, आराम से भेजो आप। ठीक है सर, ऑलरेडी हमारा नोटिस जो है कल के डेट में आने वाला था, लेकिन आपको मम्मी ने बताया कि कल के डेट में पेमेंट करने के लिए, तो इसलिए आपको रोके रखा गया था। जैसे कि आपने बताया अभी पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो लेटर आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है।
हेलो होगी मैं ये पूछ रही हूँ मैडम, आपने कॉल रुका है देखो तो आपसे तो बात कर ही रहा था। ओके सर बताइए पेमेंट कब होगी आपकी? पेमेंट मैडम यही कुछ 2-3 महीने में कर देंगे। कौन से महीने में? 2-3 महीने में। 2-3 महीने में क्यों करोगे सर? ऑलरेडी आपकी 2-3 महीने से तो 4 महीने से तो पेमेंट आई नहीं है सर। मैडम पैसे नहीं है ना मेरे पास। तो सर कार्ड तो आपने यूज किया हुआ है ना सर, पेमेंट तो करनी पड़ेगी। मैडम क्या करें पैसे आएंगे सर? देखो मैं आपसे टोटल तो ले नहीं रही हूँ, मेरे को सिर्फ आप 1 महीने का अमाउंट 13,750 रुपए का अमाउंट पे करके दे दीजिए प्लीज। मैडम आप पैसे मांग रहे हो जैसे मेरी बीवी पैसे मांगती है, प्लीज दे देना, दे देना शॉपिंग करने जाना दे देना। सर आप ये क्या वर्डिंग यूज कर रहे हो? मैडम वो मैडम कहाँ का कुछ गलत यूज कर रहा हूँ मैडम, बता रहा हूँ आप पैसे बात करो तो मेरी बीवी मांगती है। सर आप मेरे को उनके साथ क्यों काम कर रहे हो? आप पेमेंट का बताइए प्लीज। कर रहा हूँ मैडम वो पता कैसे प्लीज दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना शॉपिंग करनी है प्लीज, एक साड़ी खरीदनी है ऐसे करके मांगती है पैसे। सर पेमेंट का बताइए प्लीज। पेमेंट मैडम आरटीपी। सर पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी जो आपने कार्ड यूज किया है सर। मैडम वही तो कह रहा हूँ मैं, पेमेंट मैडम है नहीं, पैसा ही नहीं है ना, आई हैव नो मनी। ठीक है सर। ओके मैडम बात हुई आपसे जो अभी, कैसी हैं आप? सर ठीक ही हूँ। सर पेमेंट कर दीजिए तो और ठीक हो जाऊंगी। नहीं मैडम मैं नहीं चाहता आप ज्यादा ठीक हो, क्योंकि थोड़ा ना आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ तो वही तो कह रहे हो ना, तो पेमेंट करा दीजिए सर। नहीं मैडम मैं पेमेंट नहीं कराऊंगा, नहीं कराऊंगा, नहीं कराऊंगा। सर पेमेंट कराना पड़ेगा आपको। नहीं कराऊंगा मैडम। क्यों नहीं कराएंगे? नहीं मैडम मैं पैसे नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तो बच्चे हो क्या आप? नहीं मैडम आप ऐसे ऐसे कैसे कह सकती हूँ मुझसे बच्चा मैडम, मैं बड़ा हूँ। वो तो मेरे को ही पता है कि कर रहे हो, बट पेमेंट करा दो। मैडम आपने फिर मुझे बच्चा कैसे कह दिया? मैडम मैं बुरा मान गया हूँ। मैडम मैं बुरा मान गया, मैं आपसे बात नहीं करता, जाओ। पेमेंट करा दीजिए सर। हेलो। हाँ मैडम। सर पेमेंट करा दीजिए फ्लिपकार्ट पे लेकर के। मैडम नहीं पेमेंट में है ना मेरे पास ना अभी जो है ना मैडम, मैडम मैं आपको सच बता दूं। क्या सच बता दूं? पक्का? हाँ सच ही बता दो मैडम। आप मैडम आप डांटोगी या मारोगी तो नहीं मम्मी की तरह? सर पेमेंट का तो बता दो। मैडम वही तो कह रहा हूँ, आप मेरी मम्मी की तरह मुझे डांटोगी या मारोगी तो नहीं? सर पेमेंट का बता दो। ठीक है पेमेंट का मैडम मेरे पास ना फंड इश्यू चल रहा है मैडम, अभी पैसे दे नहीं पाऊंगा। लेके करा दो मैडम। लेके मैडम मम्मी डांटती है कि किसी से उधार नहीं लेते। उधार नहीं लिया जाता है क्या? मैडम मम्मी डांटती है कि किसी से उधार नहीं लेते, गंदी बात होती है छींची। अच्छा हाँ मैडम। मम्मी ने ये भी बताया होगा तो किसी का लिया भी है 6 महीने से उसका देना भी चाहिए। नहीं मैडम मम्मी ने ये बात बाद में बताई थी ना, जब मैंने लोन ले लिया था कि किसी का पैसा नहीं लेते, मुझे पता होती तो मैं लेता ही नहीं मैडम। अच्छा तुम्हारी पेमेंट को बता दो। मैडम पेमेंट मैडम बता तो दिया, पैसे ही नहीं है मेरे पास मैडम। फोन कर मैडम। क्या हुआ मैडम? मैडम थोड़ी सी तो बात करो, कोई बात ही नहीं करता मुझसे। नहीं मैडम नहीं मैडम नहीं मैडम मैं पागल नहीं हूँ मैडम। आप मैडम ये गलत बात मैडम मत बोलो मैडम, पागल वागल अच्छा नहीं लगता। अच्छा चलो फिर ठीक है। ओके मैडम मैडम बाय बाय मैडम मैडम। हेलो मैडम। हेलो मैडम ध्यान रखना इसमें, ठीक है? सर पेमेंट का बता दो। पेमेंट का मैडम बता तो दी, मम्मी बोलती किसी से ऐसे लेते नहीं मैडम। जब मैंने आपसे पैसा ले लिया था ना तो मैडम, तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया था गलत बात है किसी से पैसा नहीं लेते, पागल है, तो मैंने ना लेने छोड़ दिया पैसा।
हाँ तभी तो पागल हो कोई बोला मम्मी ने तुम्हारे मैडम आप ऐसे बोलोगी मैडम कितनी गलत बात है आपकी बात करा रहे पेमेंट करा रहे या नहीं करा रहे बताओ पहले मैडम मैं पेमेंट नहीं करा मैडम मैं पेमेंट नहीं कराऊंगा आप गंदी हो गंदी आंटी यस मैडम यस यस जी गुड इवनिंग सर जी मैं गौसिया बात कर रही हूँ स्टैंडर्ड बैंक के बिहाफ से आपके साथ पेमेंट के रिगार्डिंग बात करनी थी अच्छा गौसिया जी बताइए क्या सहायता करना है आपकी बताइए कौन सी पेमेंट है किसको फोन लगाया सर राकेश परशुराम जी बात कर रहे हैं हाँ बताइए बताइए मैं कंफर्म कर लेता हूँ ना 5353 का जो अकाउंट था ना आपका वो पेमेंट आपका बाकी रह गया इसलिए कॉल किया था मैंने अच्छा मैडम मैडम ये ना पेमेंट अभी कौन से बैंक का स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का है सर 5353 का मिस्टर राकेश परशुराम जी मैडम ये ना थोड़ा सा अभी और डिले होगा क्योंकि अभी ना मेरे पास पैसे नहीं है मुझे डेट ऑफ बर्थ या मेल आईडी कोई भी पहले वेरीफाई कराइए मैडम डेट ऑफ बर्थ और मेल आईडी में भूल गया क्योंकि पता अभी क्या हुआ था बोलिए अभी ना मैंने अभी ऑपरेशन कराया था अपना तो मैडम जो मैंने 2.5 पेटावाइट की चिप्पी ना दिमाग के अंदर वो निकलवा के नहीं पढ़वाई है तो मैडम नहीं में ना इतना है कि मैं मेरा नाम है मैडम बस इतना पता मेरा नाम है बस और कुछ नहीं पता मुझे भूल गया सब वेबसाइट से क्या नहीं आ रहा है तो मैं सबसे आप नाम वगैरह तो बोलो एड्रेस से याद है ना आपको जहाँ पे आप रहते मैडम एड्रेस डेट ऑफ बर्थ ईमेल सब भूल गया बस इतना पता है मेरा नाम मिस्टर परशुराम है जहाँ पे आप रहते हो वो तो पता है ना आपको नहीं मैडम भूल गया ना नई चिप डलवाई है उसमें अपने जो फैमिली मेंबर उससे तो पूछ सकते हो आप मैडम मुझे ना अभी 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 घर के अंदर बंद करके रखा हुआ क्योंकि ना क्या होता है मैं इधर उधर चला जाता हूँ और डॉक्टर ने कहा है ना हाँ। तो फोन आपको मतलब ऐसे प्रोवाइड किया हुआ है मैडम फोन दे रखा है बस चलाने के लिए डॉक्टर ने बोला घर से जो ना बाहर रहने मतलब घर के अंदर रहने का तो मैं घर के अंदर रहता हूँ फोन जो है ना ये मुझे मिलता है 2 घंटे के लिए पूरे दिन में ठीक है एक काम कीजिए आप मिस्टर राकेश भाई आप सब कुछ भूल चुके हैं ना तो अपने फैमिली मेंबर से आप पूछ लीजिएगा कि पेमेंट आपका बाकी रहेगा तो पेमेंट वगैरह रहेगा तो उनसे पूछ लीजिएगा पेमेंट आपका बाकी है ठीक है ये याद रखिएगा क्योंकि आपका पेमेंट ऑलरेडी क्रॉस हो चुका 29 तारीख का डेट था फरवरी के महीने में पेमेंट तक आया नहीं है ओके मैडम ओके चेक करके पेमेंट जरूर क्लियर करें कि ऑलरेडी काफी डेट चला है पेमेंट ओके मैडम मैडम मैं ना अभी कहता हूँ उनसे अरे पुष्पा पुष्पा मेरा कोई पेमेंट नहीं हुआ क्या मैडम मेरी जो ना वाइफ है ना वो बोल रही है कि मैं आपको थोड़ी देर में देख के बताऊंगी मेरे और भी कार्ड बता रही है तुम्हारे कार्ड थे तो उसमें और भी कार्ड है तो वो देख के बताएगी ठीक है चलेगा उनको बोल दीजिएगा एक बार चेक करने के लिए मैडम आप एक बार बैंक का नाम दोबारा बताना भूल गया क्या बताया था बैंक का नाम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड का देखना ठीक है ओके मैडम मेरी वाइफ कह रही है मैं अभी थोड़ी देर में देखूंगी चेक कीजिए अपनी तरफ से ठीक है मैडम स्टेटमेंट ही चेक कर रहे हैं 9 तारीख को ही बता दो आप जैसे स्टेटमेंट ही चेक कर रहे हैं कि सर प्लीज चेक करने का टाइम निकालिए ठीक है मैडम मैडम मैं ना चेक करता हूँ हाँ जल्दी से जल्दी स्टेटमेंट चेक करने का टाइम निकालिए 1 महीना हो गया चेक करते करते ओके मैडम मैडम और कुछ हो तो बता दो इसके अलावा कोई अल्टरनेट नंबर बिट कराना चाहते हो आप नहीं मैडम अल्टरनेट नंबर मैं नहीं कराना चाहता मैडम थैंक यू सो मच सर कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो पक्का मैडम कॉल कट कर दीजिए थैंक यू सो मच सर मैडम कर दूं कॉल कट ठीक है मैडम जी कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं थैंक यू जी हाँ। कैसे हैं सर बढ़िया एकदम आपकी तरह एकदम और बताइए आप कैसे हैं बढ़िया मालिक मैं ये कह रहा था सर वो अपना कुछ अमाउंट रह रहा था पीएम की ना कुछ अमाउंट पे करने थे किस चीज का वहाँ पर्सनल लोन की अपने किस चीज कहाँ से ली थी पर्सनल लोन यस बैंक से बात कर रहा हूँ अभी ना थोड़ा पेमेंट हो नहीं पाएगा अभी थोड़ा डिले रहेगा रीजन थोड़ा सा फंड इश्यू चल रहा है सर अभी 4 महीने हो चुके हैं इसको ना और कार्ड की भी पेमेंट समथिंग 90,000 के अप्रोक्स आपका अमाउंट है क्या करें सर जो है ना मेरे ऊपर मल्टीपल डेब्ट है इस कारण थोड़ा और दिक्कत आ रही तो एटलीस्ट देखिए सर वैसे भी कार्ड पेमेंट लेने का वैसे भी वो नहीं है चार्जेस इसके ऊपर इंक्लूडेड हो रहे हैं तो एटलीस्ट EMI करवा दीजिए कार्ड होल्ड करवा देते हैं
पीएल की EMI करवा दीजिए, इससे ज्यादा क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं? नहीं सर, मतलब आप करेंगे ही नहीं? नहीं सर। ऐसा बताइए सर कि आप करना नहीं चाहते हैं, उसका बात अलग है, और एक अरेंजमेंट की चीजें होती हैं वो अलग। अरेंजमेंट सर मैं जो है ना आपके जितने एजेंट हैं मैं उनको बता चुका सर, बता के कोई फायदा थोड़ी है, आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। मैंने बता दिया कि जब एक व्यक्ति ना करता है तो वो तभी करता है जब वो सारी अरेंजमेंट की कोशिश कर चुका होता है, वो हार गया होता है हर तरफ से। लेकिन आपको समझ कैसे आएगा, आपके ऊपर TL का प्रेशर जो है, मैनेजर का प्रेशर जो है? सर मैनेजर TL का प्रेशर की बात नहीं है सर, और कस्टमर एक ऐसा नहीं है कि एक आप कस्टमर है, बतेरे कस्टमर है, लाखों कस्टमर है। ठीक है सर, तो सर आप एक काम करो, कस्टमर मतलब कस्टमर चलो लाखों करोड़ों मान लो, तो आप कस्टमर करेंगे जहर खा ले? नहीं जहर खाने के लिए देखिए वो चीजें तो मैंने आपको बोला ही नहीं, नहीं तो कस्टमर दबाव नहीं डाला कि सर, जो कस्टमर परेशान है तो सर कस्टमर करेगा आखिर, मुझे इतना बता दो। तो देखो इसका कुछ अब वो नहीं है कि मतलब बिल्कुल हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई नहीं बोल सकता फिर अब मैनेजर हो TL हो। सर मैं सीनियर एजेंट था। क्या? सीनियर एजेंट था मैं। अच्छा कौन सी बैंक में? बैंक में नहीं था सर, मैं ये था एजेंसी में, KKB एसोसिएट एजेंसी में। अच्छा सुपरवाइजर देख रहे, सुपरवाइजर लेवल पर काम कर रहे? हाँ सर यही समझ लो आप। क्या देखते थे, NBFC देखते थे? मैं सर दोनों NBFC बैंक दोनों। अच्छा तो सर क्या सर पेमेंट पे थे, हम कहाँ चले गए एकदम से? सर मैं भी बातें बढ़ा देता हूँ, उधर उधर चले जाते हैं बातों बातों। हाँ तो सर पेमेंट पे थे सर, पेमेंट सर फंड इशू है सर, पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। बाकी आपको सर बता के कोई फायदा नहीं है ना, आप एंड में क्या आप यही बात बोलोगे हर बार के सर हो सके तो सर करो। इतना नॉलेजेबल सर नीरज जी, अगर इतना नॉलेजेबल आप हो तो शायद आपको इतना भी पता ही होगा, क्योंकि देखो बजट चेंज होते रहता है। अभी क्या है कि अभी 4 EMI पेंडिंग है, तो अकाउंट NPA के लिए ऑलरेडी टैग होकर मेरे पास आ चुका है। हाँ सर ठीक है, अब आपको पता है कि इसके बाद फिर राइट ऑफ होगा अकाउंट, राइट ऑफ होने के बाद फिर सेटलमेंट के लिए बात करेंगे। अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाया ना तो सेटलमेंट कर लेंगे, सबसे अच्छा रहेगा उसमें। सेटलमेंट में सर अपना थोड़ा सिविल तो वो तो सर खराब होगा, लेकिन क्या करें सर, मल्टीपल डेप्ट करना पड़ेगा सर, मजबूरी सब करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, है ना? ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है सर, बोलो क्या बोल रही हो, आपकी आवाज कट रही है। सर मैं मोबीक्विक ज़िप्लोन से बात कर रही हूँ, आपका 23,000 का जो पेमेंट है ना, वो 10,000 में लोन आपका क्लियर हो जाएगा, वेवर हो जाएगा। ठीक है, आप एक बात बताओ आपको जब आपने DRA किया है, क्या कह रहे हो सर? आपने DRA किया है? DRA सर बोलिए। तो मैडम जब ट्रेनिंग दी जा रही थी तो आप क्या सो रही थी पीछे? क्या? जब ट्रेनिंग दी जा रही थी तो आप पीछे सो रही थी क्या? हुआ क्या बताओगे? मैडम मैडम ये जो आपने मेरी पर्सनल डिटेल दे दी एकदम से कि सर आपका लोन है, अभी मेरे भाई उठा लेता उसे पता चल जाता या किसी अनदर पर्सन को पता चल जाता, तो आप ऐसे मेरी पर्सनल डिटेल किसी को भी दे दोगी? सर मैंने कुछ नहीं करा, मेरे को तो आईडी फाइल मिली है। तो मैडम आपने ये जो बोल दिया कि सर आपका लोन है, मैडम आपने पर्सनल डिटेल दे दी मेरी, तो ये जो पर्सनल डिटेल है अभी मेरे भाई को पता चल जाती, वाइफ को पता चल जाती, मेरे घर में अनदर किसी को भी पता चल जाती, तो ऐसे देते हैं किसी की पर्सनल डिटेल? जी वो बात आपकी सही है। तो मैडम आपको ना ट्रेनिंग की जरूरत है, ऐसा किसी की डिटेल नहीं देते, पहले नाम कंफर्म करते हैं। नाम कंफर्म किया नहीं आपने, सीधे बोल दिया सर आपका पेमेंट करवा दो। सुनिए मेरी बात, मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप फोन नहीं उठा रहे थे, इसलिए मैंने बोला। तो मैडम नाम तो कंफर्म कर लो, जब फोन उठा लिया तो। नीरज बोल रहे हो ना? नीरज कुमार। मैडम नीरज तो बोल रहा हूँ, लेकिन आपने ट्रेनिंग लो दोबारा से, शायद मुझे लग रहा है आपने DRA नहीं करा हो। मैं नीरज कुमार गिरी बोल रहा हूँ, ये पेमेंट अभी हो नहीं पाएगी, अभी थोड़ा सा फंड इशू चल रहा है। ठीक है आप ये पेमेंट करा दीजिए 10,000 रुपए का। ठीक है मैडम, 3 घंटे में करा दूंगा। 3 घंटे में कितना है? मेरे को 1 बजे तक आप 10,000 रुपए पेमेंट करवा दीजिए सर। ठीक है मैडम, ठीक है। क्योंकि सुनिए, फिर वेवर आपको मिलेगा नहीं, इसलिए
इसलिए हम कह रहे हैं आपको। मैडम आपको ना मेरी बात शायद सुनाई नहीं दी, बाकी आपने जो कह दिया मैंने सुन लिया। ठीक है ठीक है, आप पेमेंट करवा दीजिए। ठीक है ठीक है मैडम, अगली बार ना नाम कंफर्म कर लेना, किसी के पर्सनल डिटेल ऐसे ही नहीं देते हैं। ओके हम नाम कंफर्म कर लेंगे आगे से। ठीक है आप मेरे को ये 2 घंटे 1 बजे तक पेमेंट करवा दीजिए। मैडम अरेंजमेंट करने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है हो गया तो ठीक है, नहीं हो पाया तो देखूंगा। आप अरेंजमेंट करोगे आप? हाँ मैडम। अच्छा ठीक है, फिर मैं लीगल में डाल देती हूँ, आप फिर देख लेना। ठीक है ठीक है मैडम, ऐसे ना लीगल में डाल दो, और जो है ना उसमें लीगल में आप ये लिखना कस्टमर इंटेंशनली डज नॉट पे। ओके सर। ओके मैडम, बाय बाय मैडम। ओके सर। गुड आफ्टरनून, देवी से बात कर रहा हूँ, आईसीआईसीआई बैंक के बिहाफ से। क्या मेरी बात मिस्टर राहुल कुमार जी से हो पा रही है? हाँ राहुल कुमार जी से हो पा रही है। राहुल कुमार जी बात कर पा रहे हो ना? नहीं सर बात नहीं कर पा रहा, ये तो बस ऐसी मुंह हिल रहा है। तो सर राहुल कुमार जी बोल पा रहे हो ना मेरे से? मैं नहीं सर, वही तो बात नहीं कर पा रहे, तो मुंह ऐसे हिल रहा है मेरा। ऐसे थोड़ी बोलते हैं सर, ये बोलते हैं क्या आप राहुल कुमार जी बोल रहे हैं, बोल पा रहे हो, ये क्या होता है? हाँ मैं राहुल कुमार जी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग राहुल कुमार। तो सर मैं भी तो आपसे लाइटली बात कर रहा हूँ, आप भी तो तरीके से बात कर सकते हो सर? तरीके से नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ रिकवरी ऐसे की जाती है। आज हो ना क्या राहुल कुमार जी बोल रहे हैं? राहुल जी वन सेकेंड कॉल रिकॉर्ड की जा रही है क्वालिटी के लिए। सर मैं ना मैं भी सर रिकॉर्ड करके चलता हूँ, बताइए। वो कॉल आपके क्रेडिट कार्ड के लिए की गई है जिसका लास्ट 4 डिजिट है 5002 राइट? आपको बताना चाहूंगा राहुल जी, आपके टोटल अमाउंट है 2 मंथ का 40,898 रुपए है, जो कि आपने अभी तक बिल पेमेंट नहीं किया। बिल डिले होने का रीजन जान सकता हूँ किस वजह से आपका पेमेंट डिले हुआ है? डिले से यही फंडी क्या फंड इशू। तो आप कब तक बिल पेमेंट कर दोगे राहुल जी? बिल पेमेंट सर कब तक कर दूंगा जी? ये सर बिल पेमेंट कर दूंगा सर, यही कुछ 2 महीनों के अंदर या 3 महीनों के अंदर। तो राहुल जी डेली बेसिस पे आपको इंटरेस्ट चार्ज लग रहा है ना? डेली बेसिस पे मतलब 3.50% चार्ज लग रहा है आपके, नुकसान आपका ही हो रहा है ना राहुल जी? कोई नहीं सर, नुकसान में उठा लेता हूँ सर, छोटे मोटे नुकसान मुझे झेलने की आदत भी नहीं है, बड़े बड़े झेलता हूँ। तो सर आप ये पेमेंट तो कर दीजिए, कम से कम टोटल नहीं कर पा रहे तो मिनिमम तो कर सकते हो ना राहुल जी आप? नहीं सर मैं नुकसान उठाऊंगा, अभी पेमेंट है नहीं, वही तो बता रहा हूँ। मिनिमम होती तो आपका कॉल आता, कर करा के खत्म नहीं कर देता। कैसी बात करते हो सर बच्चों वाली? तो आपने बताया सर, मैं भी आपसे तरीके से बात कर रहा हूँ, आप कैसे बात कर रहे हो? सर बदतमीजी कर रहा हूँ, मैंने आपको गाली बक दी? नहीं मैंने नाम लिया क्या बदतमीजी का सर? नहीं सर बदतमीजी कर रहा हूँ तो बात की, तरीके सर तरीके में क्या होता है सर? बदतमीजी करती तो मैं मानता हूँ कि सर आप तरीके से बात नहीं, तरीके से तो बात है। कैसी बच्चे वाली बात है? नहीं आपने बताया कि फंड इशू, तो फंड इशू तो कहीं से अरेंज कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड वगैरह। सर जब सामने वाला पर्सन कहता है ना, जब सामने वाला पर्सन कहता है कि सर फंड इशू है, तो सर उसके कहने का मतलब ये होता है, अगर वो कहते हैं कि सर फंड पेमेंट नहीं कर पाया, तो उसका कहने का मतलब ये है कि हर जगह मुंह मार चुका, हर रिश्तेदार के आगे हाथ फैला लिए, भीख मांग ली, लेकिन वो अरेंजमेंट कर नहीं पाया। तो सर आप कम से कम मिनिमम भी नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम पिछले मंथ का तो कर सकते हो ना 5,450 रुपए? अच्छा सर अगर मैं कर सकता तो सर कर नहीं देता जी? कर सकता तो कर नहीं देता? वो बात आपकी सही है, आपके पास फंड इशू आप बता रहे हो, लेकिन कहीं से अरेंज कर लीजिए। इतना सर मैं वही तो बता रहा हूँ, जब सामने वाला बोलता है ना, जब सामने वाला बोलता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर मैं अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा है, पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो इसका मतलब होता है वो हर जगह भीख मांग चुका, हाथ फैला के मुंह मार चुका हर गली, लेकिन सर उसे हो नहीं पा रहा है अरेंजमेंट, उसको देने वाला कोई है? बिल्कुल अरेंज नहीं हो पाया अभी तक आपके पास, देने वाला कोई नहीं है, बता तो दिया हर जगह हाथ फैला ली, हर जगह भीख मांग ली, नहीं मिल पा रहा। तो आप सैलरी पर्सन हो या फिर बिजनेस करते हो कुछ? मैं जॉबलेस हूँ। जॉबलेस हो? हाँ। तो फिर कब तक बिल पेमेंट हो जाएगा आपका? ये बिल पेमेंट कब तक हो जाएगा? बिल पेमेंट अभी तो बताया सर, बार आप भी भूल जाते सर, बाद आप खा 2 या 3 महीने। 2 या 3 महीने? हाँ। तब तक तो आपका कार्ड है परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा सर।
कोई नहीं सर, मैं टेम्पररी चाहता भी नहीं हूँ, परमानेंट में बोल तो रहा हूँ, मैं छोटे मोटे रिस्क नहीं लेता, बड़े रिस्क में। टेम्पररी तो प्रेजेंट टाइम में ब्लॉक है ना आपका? हाँ तो सर, मैं वही तो कह रहा हूँ, छोटे मोटे रिस्क में मजा नहीं आता, अभी टेम्पररी है तो अच्छा नहीं लग रहा, परमानेंट हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। अच्छा तो राहुल जी, जैसे कि आपसे बात हुई है, आप 2 या 3 महीने का बता रहे हो बिल पेमेंट करने का, उससे बिल पहले बिल पेमेंट नहीं हो पाएगा आपसे? नहीं हो पाएगा जी। आपको बैंक की तरफ से SMS और स्टेटमेंट रिसीव हो रहा है टाइम टू टाइम? हाँ। ओके, थैंक यू, ICICI बैंक से जुड़ रहने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ठीक है सर। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।